ये देखिए मैंने साड़ी का ब्लाउज सिया था, ये मैंने स्लीव्स बनाई थी, इस पर मैंने डबल लेस लगाई थी, ये गला है तो मैंने तुरपाई की थी और ऊपर बारीक सी लेस लगाई थी। और इस पर देखिए इन प्लेटों की वजह से इस ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत अच्छी आई थी। आगे चल के मैं आपको इस ब्लाउज़ की सिलाई दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया। मैं आज मैं लेकर आई हूँ आपके पास साड़ी के ब्लाउज़ की सिलाई का तरीका। ये देखिए मैंने इसके लिए एक बारीक सी लेस ली थी, ये जिप ली थी मैंने गोल्डन कलर की, और जो है ये फ्रंट बैक हिस्सा है हमारा, ये लाइनिंग का कपड़ा है, और ये हम इसके ऊपर उलट करके हम ये बैक को रखेंगे। इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम इस पर सीधी एक सिलाई लगाएंगे, ठीक है व्यूअर्स। देखिए अब हमने इसको मशीन पर रख लिया है, अब हम इसको सिर्फ बैक की जहाँ से हमने जिप ज्वाइन करनी है हम सिर्फ वो हिस्सा सीएंगे इसको, फिर हमें इसको सीधा भी करना है होगा आगे। ये देखिए सिल चुका है हमारा। अब ये देखिए हमने लिया है फ्रंट हिस्सा, अभी हमने गला वाला कुछ नहीं काटा, वो हम अलग अलहदा से कपड़े पर काट कर फिर हम चिपकाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। अभी हम इसको इस तरह से कच्चा कर लेंगे पूरा सराउंडिंग में। ये फ्रंट वाला हिस्सा है तो हम इसको पूरा चारों तरफ से हम इसको कच्चा कर लेंगे, इस हिस्से को कच्चा करके फिर बाकी का काम आगे होगा इसमें। देखिए व्यूअर्स हमने ये कच्चा करके ये बैक के हिस्से को हमने सीधा कर लिया है, देखें ये, और हमने इस पर प्रेस भी कर लिया, प्रेस करके इसमें कितनी फिनिशिंग आ गई है इस कपड़े में। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये सिर्फ प्रेस होने से। और ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है, हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है, ठीक है। अब हम इसके लिए गले की कटिंग प्रेस बुकरम पे हम काटेंगे। ये देखिए ये आप प्रेस बुकरम ले लें, फ्यूजिंग ले लें, मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है। हमने इसको 4x6 से मैं इसकी कटिंग करूँगी, आप चाहें तो थोड़ा सा डीप या चौड़ा भी रख सकते हैं। देखिए मैंने इसको 4 इंच इस तरह से चौड़ाई में गले को कटिंग करी है और 6 इंच गहराई में लिए। आप चाहें तो 6.5 कर लें या चाहें तो 5.5 कर लें, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इस गले को काट सकते हैं। इस गले का तरीका बिल्कुल वैसे ही जैसे आम शर्ट्स में हम गला कटिंग करते हैं, सेम उसी तरीके से हमने इसके गले की कटिंग करी है। अब इसको आपने स्क्वायर बना लेना है, स्क्वायर बना के आपने 1.5 इंच का राउंड लेकर आपने इसको गोल कर देना है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1.5 इंच का, ठीक है। अभी हमने कर दिया राउंड, पूरा गोल हो गया है गला। व्यूअर्स आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया। अब हमने इस फ्यूजिंग पेपर को दूसरे कपड़े पर हमने प्रेस से चिपका लेना है। ये वो जब भी कटिंग करें ध्यान से, अक्सर नीचे वाला कपड़ा कट जाता है कटिंग के दौरान। ये देखिए अब हम बैक वाले गले की भी कटिंग कर लेते हैं। मैं बैक वाले गले में फ्यूजिंग पेपर नहीं लगाती हूँ, अगर आप चाहें तो लगा लें लेकिन मैं नहीं लगाती हूँ। इसके लिए मैंने आड़ी पट्टियाँ काटी हैं, जो इसकी देखिए शो हो रही है रखी हुई। इसका भी गला मैंने सेम, इसका मैंने 4.5 लिया क्योंकि ये जिप के मार्जिन में जाएगा थोड़ा सा, तो 4.5x4, ठीक है, 4 इंच गहराई ली और 4.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है इस गले की, ठीक है। इसको भी हमने सेम उसी तरह स्क्वायर बना के राउंड बना लिया, देख रहे हैं आपको पेन का निशान नज़र आ रहा होगा, इससे हमने कटिंग कर ली है, ठीक है। इसको इस तरह से रख के आप काट लें। और आड़ी पट्टी से हमने पीछे फोल्ड कर देना है, इसको सीधे कपड़े पर लगा के हमने पीछे बैक पे फोल्ड कर देना है साड़ी पट्टी को। जी व्यूअर्स ये हमारा फ्रंट का गला है। देखिए अभी पहले हमने इसको एक सिलाई से इस तरह से कच्चा कर देना है, इसको पीछे का जो हमारा जो गला है इसके नीचे वाला जो हिस्सा है इसको एक सिलाई लगा के आपने इसको फोल्ड कर देना है, ठीक है। फिर आपने इसको ये जो फ्रंट वाला हिस्सा आपने इसको प्रेस से इसको क्रीज बना देनी है। देखिए मैंने गले पर भी स्त्री का निशान नज़र आ रहा होगा आपको, मैंने ये बना दिया, और मैंने ब्लाउज़ के फ्रंट पे भी स्त्री का निशान बना दिया गले का। अब हमने इसको इस तरह से रख के सेंटर में एक सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने से ये होगा कि हमारा गला नहीं भागेगा। अब फिर हमने इसको पलट देना है। सबसे पहले आपने इसको इस तरह से सीना है। ये देखिए हमने इसके सराउंडिंग में हमने गले का हेम मोड़ लिया है। पूरा हमने वहाँ तक इसको पहले फोल्ड कर देना है पीछे, फिर देखिए आपने गले को
इस तरह से रखना है कि सीधे हिस्से पर आपका उल्टा हिस्सा ऊपर ना दिखे, यानी कि सीधे दोनों राइट साइड एक दूसरे को फेस कर रहे हो, गले का भी और नेक का भी। अब आपने इसको रख के पहले सेंटर में सिलाई लगा देनी है इस तरह से, पूरी सीधी नीचे तक। देखिए व्यूवर्स, हमने इसको इस तरह से गले पे हमने सिलाई रख के लगा देनी है, ठीक है। देख लीजिएगा पहले आड़ा टेढ़ा ना हो, बिल्कुल सीधा सीधी लाइन आए इसकी। अब हमने इसको ये सिलाई लगने के बाद अब हम इसको किनारे पर रख के इसको राउंड में इस तरह से सिलाई लगाएंगे गले के ऊपर। सिलाई लग गई व्यूवर्स, अब हम इसको कट कर लेंगे। सिलाई से एक एक बूट छोड़कर आपने कट करना है गले को, पीस कट लगा देने, नॉचेस देखेंगे लग जाएंगे इस तरह से लगा के, फिर हमने पीछे गले को फोल्ड कर देना है। व्यूवर्स देखें, मैंने पीछे पलट दिया है गले को, अब हम इसके बारीक लब की सिलाई लगाएंगे। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट तुरपाई कर दें, मैंने इस पर लेस लगानी थी इसलिए मैंने पहले लब की सिलाई लगाई है, बाद में मैं इसमें तुरपाई करूँगी, ठीक है। अभी हम पहले बैक का गला बनाएंगे। देखें बैक का गला है, अभी हमने इसको पहले कच्चा करना है, फिर हमने ये आड़ी पट्टी इस पर लगा देनी है। 2 इंच की पट्टी लेकर उसको डबल फोल्ड करके आपने प्रेस करके उसको आड़ा कर देना है, तो आपकी आड़ी पट्टी पीछे गले की बन जाएगी। और व्यूवर्स ये गले को खींच के मत रखिएगा, बिल्कुल हल्के हाथ से पट्टी और गला दोनों इस तरह से लगाइएगा, गला खींच के बड़ा ना हो। देखें अब हमने पट्टी लगा दी है, अब हम इसको पीछे फोल्ड कर रहे हैं। पहले हम इसको इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे, इससे ये होता है कि गला बहुत अच्छी तरह बहुत सफाई के साथ पीछे फोल्ड होता है। पहले आपने पट्टी के ऊपर बिल्कुल बारीक बारीक सिलाई लगा देनी है, ये बाद में पीछे जाएगा ये गला, ठीक है व्यूवर्स। अभी हम इसके ऊपर लेस भी लगाएंगे। पहले हम इसके शोल्डर ज्वाइन करेंगे। ये देखिए फ्रंट वाला हिस्सा है, इसके ऊपर हमने बैक वाला हिस्सा रखा है, ठीक है। अभी जो पट्टी है ना व्यूवर्स, ये देखने वाली है। देखें ये पट्टी आपने ऐसे लगानी है, जो बैक वाले गले की जो पट्टी है ये देखें, ये इस तरह से बैठेगी। ये फ्रंट वाले गले के ऊपर देखें ये ऐसे आएगी, इसको हमने इस तरह से फोल्ड करके ये इस तरह से फोल्ड हो गई। अब हमने इसको 1/2 इंच सिलाई लगा देनी है। देखिए व्यूवर्स, ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, मैं दिखा रही हूँ आपको। अब इसको आपने सिलाई, इसका ये फ़ायदा होगा कि जो गला जब आप पलटेंगे तो आपको जो सिलाई का जो मार्जिन है गले का वो अंदर चला जाएगा पट्टी के अंदर। ये देखिए ये सब अंदर चला जाएगा, ये देखिए जब हम सिलाई लगाएंगे तुरपाई करेंगे तो। देखिए व्यूवर्स, अब हम इसके ऊपर लेस लगा रहे हैं पूरा, ठीक है। ये गले को पट्टी पीछे का गला है, ये जहाँ से जिप लगेगी ये वाला जॉइंट है। आपने इसके ऊपर ये बेल लगा के आपने इस तरह से लूज में बेल रखनी है, आपने खींच के बेल नहीं लगानी, वरना आपका गला खुल जाएगा। हल्के हल्के हाथों से बेल को रख के लूज रख के आपने इसको इस तरह से सिलाई कर देनी है, ठीक है। इस तरह से आपने करते हुए पूरा जहाँ से आपने लेस शुरू की है ना, अगले दूसरे किनारे तक लेस ये आपकी फिनिश हो जाएगी। देखिए ये हो गई पूरा, ये गला आगे पीछे का गला बन चुका है। देखिए मैंने ये आस्तीन पे मैंने इस तरह से डबल लेस लगाई है। ये आजकल लेस बहुत चल रही है, जिगजैग लेस कहलाती है, ये इजीली मार्केट में मिल जाती है। इन दोनों लेसिस के दरमियान 2 इंच का गैप आया है, 1.5 से 2 इंच का गैप। इस तरह से हमने आस्तीन तैयार कर ली व्यूवर्स। देखें दोनों आस्तीनें बहुत खूबसूरत लग रही हैं। देखिए व्यूवर्स, ये आस्तीन है। अब हम इस आस्तीन ज्वाइन करने से पहले आगे जो गहराई हमें देनी है फ्रंट के हिस्से से, हमने वो गहराई देनी है आस्तीन की। हमने कटिंग के वक्त नहीं दी थी क्योंकि फिर लगाते वक्त अक्सर ऐसा होता है कि जहन से निकल जाता है कौन सा हिस्सा है, फिर नापना पड़ता है। तो मैं जब ज्वाइन करने जाती हूँ आस्तीन में, तब आगे की गहराई देती हूँ आस्तीन की। देखिए ये आधा आधा इंच आपने दिख रहा होगा आपको, आधा आधा इंच बस आपने इसको काट देना है इस तरह से स्लीव के टॉप तक पास। देखिए व्यूवर्स, ये सिर्फ इतना आधा इंच है, ये आपकी गहराई आ गई ब्लाउज की आस्तीन की। अब देखिए हम ये शोल्डर से आस्तीन जोड़ रहे हैं अपनी, ये किनारे से रख के। चाहे तो आप पहले ब्लाउज को बंद कर लें फिर आप आस्तीन लगाएं, लेकिन इस तरह से इजीली आस्तीन जुड़ भी जाती है और दिखने में भी अच्छी लगती है। ये देखें पूरी आस्तीन यहाँ से लेकर आपने पूरी दूसरे किनारे तक आपकी आस्तीन इस बराबर आएगी, ठीक है। ये देखिए आखिरी किनारे तक आ गई स्लीव्स बिल्कुल बराबर।
आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए व्यूवर्स, ये है मेरी प्लेटों की सेटिंग। ये मेरा फ्रंट हिस्सा है, आपने इस तरह से खोल के बिछा लेना है इसको। और ये देखें, इसमें आएंगी आपकी 5 प्लेटें, ये 2 प्लेटें नीचे से आएंगी इस तरह से, आधे आधे इंच की प्लेट डलेगी, ऊपर आके बिल्कुल बारीक हो जाएगी, नैरो प्लेट्स डलती हैं। ऊपर से लेकर हमने यहाँ 9 इंच का निशान लगाया है, ठीक है। यहाँ से भी आपने इसको 9 इंच पर निशान लगा देना है, ठीक है। अब एक प्लेट इस तरह से आएगी और एक इस तरह से आएगी, ये सेंटर में एक बारीक सी प्लेट डलेगी बिल्कुल, और एक ये ऊपर से आपने शोल्डर से 5 इंच नापना है, मैंने कटिंग के दौरान भी आपको बताया था। और यहाँ तक आपने तिरछी प्लेट लेकर आनी है, जो फ्रंट की जो प्लेटें हैं उसमें और इसमें दो एक इंच का गैप आना चाहिए, और ये तिरछी प्लेट पड़ेगी बिल्कुल बारीक सी। ऐसे ही सेम इस तरह से आएगी, यहाँ से भी 5 इंच का मार्जिन छोड़ के आपने डालनी है, और एक इंच का गैप इन दोनों प्लेटों के दरमियान आना चाहिए, सही है। इन प्लेटों की वजह से सारी ब्लाउज़ की सेटिंग और फिटिंग बैठती है व्यूवर्स। और सेम इसी तरीके से जो है ना, यही प्लेटें जो दो है ना, ये दो प्लेटें तो दिख रही हैं, सिर्फ ये दो प्लेटें बैक पर आएंगी और कोई प्लेट नहीं आएगी, सिर्फ फ्रंट के सिर्फ 5 प्लेटें आएंगी और बैक के सिर्फ 2 प्लेटें आएंगी।